ये हमने न्यूट्रल कर दिया है और यहाँ से आपको लगाना है पहले 4 5 थोड़ा भारी गाड़ी है, हाँ की गाड़ी है, बस उसमें लेट्स फील इट। और आप लोग चाहते हो कि हम लोग आगे बढ़ें तो प्लीज़ शेयर कमेंट सब्सक्राइब तीनों करो। ओ माय गॉड आज गिम्बल ल्यूमैक्स और हमारे सिनेमेटोग्राफर साहब तो कुछ ना कुछ ख़तरनाक निकलने वाला आज। और ठीक सामने रुद्रा भी है तो क्या निकलता है देखो। गुड मॉर्निंग रुद्रा, क्या मस्ती लगी है भाई अभी, ये देख रहे हो एकदम मस्त और है टकाटक सब कुछ एकदम ओके भाई। सर्विस तो हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से, सब कुछ सही है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं पैदल शूट करने, देख सकते हो भाई यहाँ पे अभी गिम्बल सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया। तो शूट के साथ साथ ये है कि हम लोग एक ऑफ रोड भी करने वाला आज, क्योंकि हमने इसका अभी 4-व्हील ड्राइव यूज नहीं किया है तो वो भी हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं। एक दो एक्सट्रीम रोडों पे देखते हो कहाँ कहाँ चलते हैं। और पापा जी भी आ रहे हैं और पापा जी का भी राइडिंग एक्सपीरियंस देखेंगे, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि ये गाड़ी पापा जी भी चलाए, क्योंकि एक समझ रहे ना फैमिली पर्पज़ हो जाए ये गाड़ी। तो उनसे भी आज उनका फीडबैक देखेंगे कैसे, क्योंकि उन्होंने एक ट्रिप तो कर लिया है नंदा नगर का, तो वहीं पर जाके उन्होंने भाई को बताया उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो आज पूछेंगे उनसे कैसा कैसा एक्सपीरियंस है। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी रुद्रा पे और अभी चला रहे हैं पापा, तो पापा से भी हम लोग थोड़ा सा भाई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देखेंगे क्या है इसमें और ऑल्टो और इसमें कितना डिफरेंस है। तो पापा जी कितना डिफरेंस है? थोड़ा भारी गाड़ी है, हाँ की गाड़ी है, बस उसमें ये है कि पिकअप बनाने में तो टाइम लगता है, इसमें पिकअप बनाने टाइम नहीं लग रहा, इतना अंतर है। अच्छा, और अभी मतलब आगे का आपको जजमेंट कैसा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा अभी टाइम लगेगा। तो पापा जी ले गए थे इस गाड़ी को नंदा नगर, तो पापा जी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर कैसे लगा आपको? कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। अच्छा, पर ये है कि केवल नीचे वाली रोड दिख रही है। मैं आप लोगों को बता दूं जिसका स्टेयरिंग है थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए कटिंग में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, यही रीजन है, एक और कुछ रीजन नहीं है। और थोड़ा सा पापा को टविस्ट लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही छोटी गाड़ी है, एकदम मिनी पॉकेट, तो उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। तो अभी भाई पापा को हम लोग थोड़ा सा अभी यूज टू में ला रहे हैं धीरे धीरे करके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से अभी पापा जी चला रहे हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से। और जस्ट मैं अभी पहुंचा हूं अपने गांव मतलब देवलधार में, जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है ना उसको देखने आया हूं। तो आप लोगों को कुछ टाइम बाद मतलब आने वाला टाइम में पता चल जाएगा कि क्या वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन जो चलने वाला बहुत ही खतरनाक। तो होप सो आप लोग तब तक सपोर्ट प्यार दिखाओगे तो वह सब पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे, क्योंकि उसका काम लगा हुआ है भाई, धीरे धीरे करके ही मैं करवा रहा हूँ। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट देखने के बाद हम लोग भाई पहुँचे हैं मंडल में, और भाई सुबह से नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया है, तो हमने सोचा क्यों ना भाई मैगी वैगी बना दें। और आयुष भाई भी पहुँच चुके हैं और देख रहे हो भाई सामने दो बीस्ट, क्या भाई एक और मिस हो रही है, कहाँ से वो भी आ जाए तो और मज़ा आता है। तो कुछ टाइम बाद आ जाएगी वो भी। और भाई पता है आप लोगों को कि हमारा नंबर आ चुका है, बहुत ही स्पेशल नंबर है, समझ जाओ कितने का? पाँच पेटी का भाई, तो समझ जाओ 5 पेटी का है वो। तो अभी हम पहले मैगी वैगी खाते हैं, उसके बाद हम सोच रहे कि ऑफ रोड करें, ऑफ रोड के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा मंडल से, तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। तो मैगी का एंजॉय करते हैं, मैगी वैगी हम लोगों ने खा दी थी कम्प्लीट, और अब पहुँच चुके हैं हम लोग ऑफ रोड पे। तो पहले मैं आप लोगों को ऑफ रोड दिखा लेता हूँ। तो ये है ऑफ रोड, और ये ऑफ रोड है जड़ी बूटी के पोर्शन में, और बगल पे देख रहे हो भाई, आज बाबूजी को हमने गिम्बल पकड़ा रखा है, भाई को आज गिम्बल पे ही सिखाएंगे क्या होता है वो। भाई थोड़ा थोड़ा देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं कैसा कैसा एक्सपीरियंस है ऑफ रोडिंग का। भाई अभी हम लोग चल रहे हैं भाई इतनी प्यारी वाली ट्रेल पे, मतलब मैंने यहाँ पे बाइक लेके आया था मैं जब यहाँ पे झरना वाला पोर्शन था, और अभी देखो भाई क्या भयंकर वाला ट्रेल है, थोड़ा आगे दिखाओ भाई, ये देखो भाई ऐसा ट्रेल है, और इस पर हम लेके जा रहे हैं जिमनी को, टेस्टिंग हम ऐसे ही करेंगे, और भाई इसकी टेस्टिंग बहुत ही अमेजिंग हो रही है भाई, मतलब मज़ा आ रहा है। हिसाब से भाई मेरे को लग रहा था कि ये गाड़ी इतनी कैपेबल है, उस हिसाब से दिख भी रहा है इसके अंदर की पावर भाई अभी सच में, मतलब यहाँ पे अभी जो हम लोग शूट करने वाले हैं ना भाई वो अल्टीमेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी लोकेशन बहुत ही रेयर है यहाँ पे, और ऊपर जाते हुए तो और मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने अभी ये 2-व्हील पे ही चला रहा हूँ मैं, अभी ऊपर जाते हुए मैं 4-व्हील पे चलाऊँगा, तब देखना भाई क्या मज़ा आएगा आप लोगों को, आप लोग भी देखोगे ना भाई मज़ा आएगा, क्योंकि मैं दो एंगल से शूट करूँगा उस समय,
एक बाहर से भी दिखाऊंगा और एक अंदर से भी, तब देखना। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे थे इस लोकेशन पे और देख सकते हो भाई यहाँ पे दोनों है और हम लोगों ने एक तो रील शूट किया है, तो कब तक एडिट होकर हमको मिलती है वो पता नहीं, बट इंस्टाग्राम पे जरूर देखें आप लोग, वहाँ पे मिल जाएगी। और अब हम लोग जा रहे हैं वापसी, तो अब आपको दिखेगा टोटली ऑफ रोड, तो देखते हैं कैसा कैसा वहाँ पर फीचर है। आयुष भाई, आयुष भाई ऊपर वाले पे, ठीक है ऊपर वाले पे भाई जी ले लोगे ना पकड़ा। तो मैंने भाई इन लोगों को बोल दिया कि ये लोग भाई दूसरे एंगल से शॉट लेंगे और मैं इस वाले एंगल से शूट लूंगा, तो चलते हैं फटाफट ऑफ रोड के लिए। रोड निकल चुके हैं, मैं आप लोगों को पहले ट्रेल दिखाता हूँ कैसी ट्रेल है। तो ये देखो भाई यहाँ पे ऐसी ट्रेल है, खतरनाक वाली ट्रेल है एकदम पूरी, देख रहे हो भाई इस ट्रेल पे हम लोग लेके जा रहे हैं। और भाई मैंने इनको आगे इसलिए भेजा कि मैंने कहा कि तुम लोग आगे से शूट करना जहाँ पे आप लोगों को लगे कि बहुत एडवेंचर है, तो वहीं पे हम लोग इस गाड़ी का टेस्ट करने वाले हैं। और हमारे साथ गणू भाई भी है। गणू भाई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, देर इनका नाम मैंने रखा है गणू भाई, दोस्त जैसे हैं। और देखो भाई ये है छोटी छोटी ट्रेल्स, देख रहे हो भाई आगे तो चल रही है हमारी नेक्सॉन और पीछे से हमारी रुद्रा, देखो भाई क्या मस्त ट्रेल बना हुआ। तो ये ट्रेल के लिए भाई हम लोग इतना दूर आए थे। तो दोस्तों अभी हम लोग को एक अच्छा सा पैच मिला है, तो मैंने सिट्टू भाई को भी बोल दिया कि भाई आगे से शूट करें, तो आपको दोनों तरीके से शूट देखने को मिलेगा, इंटीरियर भी और आउटरियर भी। तो लेट्स सी, और देखिए ये हमने न्यूट्रल कर दिया है और यहाँ से आपको लगाना है पहले फोर हाई, देख रहे हो भाई फोर हाई लग गया है। फोर हाई के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एक ग्रीन बटन दिखेगा यहाँ पे, एकदम सिंबल आएगा, तो फोर हाई पे हम ट्राई करते हैं और हमारे सिट्टू भाई आगे लग रहा है, तो लेट्स फील इट। कैसा मजा आता है भाई फोर हाई पे, वाओ भाई भाई साहब, ओ भाई साहब देख रहो भाई पूरी पूरी भयंकर की, इतने स्मूथ तरीके से निकल गए ना, इतने स्मूथ तरीके से क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। अभी पूछता हूँ भाई उनको कि कैसा शूट आ रखा है, स्लो मोशन नहीं लिया होगा तो पूरा धूल धूल कर दिया भाई मैंने वहाँ, देख रहा भाई पूरा धूल धूल हो गया आगे, तो पूरा धूल धूल वापस। तो पहला अटैम्प्ट तो हम लोगों का थोड़ा सा अच्छा रहा, मतलब भाई का शूट क्लिक नहीं हो पाया, तो हम दोबारा अटैम्प्ट कर रहे हैं और इस बार मैं भाई लो मतलब स्पीड से ही कर रहा हूँ जितने प्यार से जा पाएंगे। तो रेडी सर, तो हमारे सिट्टू भाई रेडी हो, 1 2 3 गो। तो भाई आप लोगों को एंगल आगे वाला भी दिखेगा, पहली मल्ली बैठा था आगे कड्डे आप लेके कई बारी कहीं पूरी ऐसे आर्मी। सिट्टू भाई क्या है मतलब आया मजा, देखो भाई अभी देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा, वैसे मैंने आपको दिखा दिया है शूट पे, देखो भाई क्या अल्टीमेट है भाई। रोन मोटर्स या नेक्स वाले देख रहे हो ना, तो मजा आ गया भाई, मजा मतलब अल्टीमेट। ओ भाई साहब भाई इसका सारे एंगल दिख गया सारे तरीके से। तो भाई कैसा लगा आप लोगों का ये वाला सिनेमैटिक, आ रहा है ना मज़ा। अब एक और शॉट ले रहे हैं हम लोग और देखो ये वाला ट्रेल है और भाई इसमें भी इतनी स्मूथ चल रही है ना भाई कि मतलब ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हो रही है मुझे कि इतना पावर देना पड़ रहा है या इतना लैग हो रहा है, मतलब फोर हाई पे तो बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं घर पे और भाई मैं अभी जस्ट बैठ रहा था उसके शॉट देख रहा था ना, इतने अल्टीमेट आ रखे ना कि क्या बताऊं। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो हम लोगों ने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था ना मारुति सुजुकी ने फ्रॉड कर दिया, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक चीज़ बता दूँ कि उसमें मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, वो मैं इस व्लॉग में इम्प्रूव कर रहा हूँ। वो जो भाई उन्होंने डिस्काउंट दिया था वो एस्प्रेसो पे नहीं दिया था, एस क्रॉस पे दिया था, एक भाई जी ने भी कमेंट किया था, तो मैं उनका कमेंट को एग्री करता हूँ। मैंने उसके बाद थोड़ा बहुत भाई डिटेल निकाली, तो वहाँ पर जो मेरा ना भाई जो वर्डिंग है वो थोड़ा सा मिस हो गई थी, तो जो है ना डिस्काउंट वो एस्प्रेसो पे नहीं मिला था, एस क्रॉस पे मिला था। तो रही जो मारुति सुजुकी से है, तो मैंने बात की है भैया से जिन्होंने मुझसे भाई ये डील करवाई थी, तो उन्होंने भाई बताया कि जो हमारी भाई दिक्कत है वो हम लोगों ने मारुति सुजुकी पे भेज दिया है, लेकिन मैं एक बार भाई वहाँ पे जाके भी बात दोबारा करूँगा, वो अभी मेरे ऑन कॉल भी थी तो उससे ज़्यादा मैंने उनसे बात नहीं की, बट वहाँ पे जाके मैं बात करूँगा कि क्या दिक्कत है क्या सब कुछ है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बहुत सारे लोगों का भाई मैसेज और सामने भी बोल रहे हैं कि क्या हो गया भाई जी आपके साथ ये वो सब हो गया, तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि चलता रहता है कंपनी में। बट इस व्लॉग में भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मारुति सुजुकी यार आप लोगों ने कहीं कहीं पे तो भाई ये गाड़ी जो है ना मतलब 11.5 लाख में ही मिल जा रही है, 12.5 लाख में ही मिल जा रही है, अब समझ नहीं आ रहा क्यों, बट हम लोगों ने जो ली है
वो हमने कुछ और पर्पज़ से भी लिया है कि हम चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाए। और जो इसमें स्पेशल एडिशन आ रहा है ना, वो स्पेशल एडिशन थोड़ा अलग है। जो उसमें अलग है उसमें यह है कि जो डुअर्स हैं उनमें मतलब आप लोगों को एक प्रिंट मिलेगा हिमालयन का प्रिंट, और वो मुझे वैसे पसंद नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं था, तो इसलिए भाई वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये हाँ। उसके साथ जो एसेसरीज मिल रही है वो भी मेरे को लगता है कि साइड क्लैडिंग है, डुअर वाइजर है। डुअर वाइजर तो थोड़ा इसमें भी मिलता था तो बढ़िया होता था, लेकिन डुअर वाइजर नहीं दिया उन्होंने। तो कैसे लगा आप लोगों को रुद्रा का ऑफ रोडिंग? तो रुद्रा मैंने इसका नाम रखा है इसलिए भाई मैं इसे अब नाम से ही बोलता हूँ, जिमनी विमनी नहीं बोलता हूँ। तो रुद्रा के ऑफ रोडिंग आपने देखा कैसा है? अभी तो हमने हल्का फुल्का ऑफ रोड किया मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग, इसके बाद हम आगे भी इसको टेस्ट करते रहेंगे। और इसके मॉडिफिकेशन के लिए बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप एलॉय कर लगाओ वो लगाओ, तो थोड़ा सा भी बजट का इशू भी है, तो बजट वजट थोड़ा सा सही हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे करके। आप लोग बस सब साथ दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, वीडियोज़ को शेयर करो ज़्यादा ज़्यादा, और सब्सक्राइब तो करो ही करो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही हैं जिससे हमारी वीडियोज आगे पहुँच सकती है। आप लोगों से ही मुझे हेल्प मिलती है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो, कमेंट करो। शेयर भी करोगे तो भाई वीडियो आगे जाएगी, कमेंट भी करोगे तो वीडियो आगे जाएगी। और आप लोग चाहते हो कि हम लोग आगे बढ़ें तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तीनों करो। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। मैं गोपेश्वर दा भी बंदा जिवे आगे आया आके, बिना बनाया ना कमाया ना नी गवाया, तेनू मेरी गल्ला सारी सोनी क्यों नी लगदी है, तू लगे